ये वाल्मीकि कृत रामायण और तुलसीकृत रामचरितमानस को पढ़कर जो मुस्लिम कथाकारों ने उससे कुछ अंश लिए और हिंदी में लिखे, बाकी कुछ मुस्लिम कथाकारों ने श्री रामचंद्र जी के जीवन से प्रभावित होकर उनके ऊपर कविताएं लिखीं, अपने विचार लिखे, उन सारे आलेखों का 7 किताबों में वर्णन हुआ, 7 किताबें आईं। वो किताबें पब्लिश हुई मानस संगम से, पंडित बद्री नारायण तिवारी जी के प्रकाशन से। तो तिवारी जी की ख्वाहिश थी कि मैं इन किताबों का उर्दू अनुवाद करूं, क्योंकि वो 6 या 7 किताबें थीं और मैं उनको एक एक करके ला रही थी और पढ़ती थी। तो मुझे पढ़ के भी ये लगा कि हाँ, इनका अनुवाद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर पृष्ठ को पढ़कर ये लगा कि कहीं पर भी कोई भी धार्मिक ग्रंथ खून खराबे की, अलगाव की, भेदभाव की, जातिवाद की कहीं पर कोई सीख किसी ग्रंथ में दी ही नहीं गई। क्योंकि मैंने कुरान पढ़ा है और उसके बाद मैंने इन किताबों को पढ़ा, तो ये लगा कि जो चीज़ें हमारे बीच आज माहौल ख़राब करने के लिए फैलाई जा रही हैं, उनको कुछ कम करने का ये प्रयास हो सकता है और शायद बहुत कुछ भी कम हो सकता है।